वो जो बंदूक तफंचा जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई जगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक एक 8 लाख रुपए की। इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेश टीवी और मैं हूं साक्षी शर्मा। प्रयागराज में माफियाती अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की मौत के बाद AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने माफियाती और अशरफ की पुलिस हिरासत में मर्डर को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद से ही असुद्दीन ओवैसी यूपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा कि आरोपियों के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ओवैसी ने कहा कि हिरासत में लोग मारे गए हैं, उन्हें मारने वाले आतंकवादी हैं और ये एक आतंकी मॉड्यूल है। आरोपियों को ओवैसी ने नाथूराम गोडसे तक बता डाला। हत्या के बाद मौके पर ही लवलेश सनी और अरुण मोरे ने सरेंडर कर दिया था। वो जो बंदूक तफंचा जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई जगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक एक 8 लाख रुपए की। कितने की है? 8 लाख। दो हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अभी इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करें, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे, अल्लाह गाजी बनकर रखा है हमको, और शहीदों की मौत दे ताकि हशर के मैदान में अपनी मां को शर्मिंदा ना होने दूं, अपने बाप को शर्मिंदा ना होने दूं। मगर यहां पर देखो, आप मशहूर होना चाहते थे मेरे भाई, 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे बरसरे इख्तदार जमात के हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से, ये कैसा हुआ? आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज में हत्या कर दी गई। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।